हेलो स्टूडेंट्स, आई गेव यू ए होमवर्क ऑफ इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 14 एक्सरसाइज नंबर 1। यू हैड टू सेलेक्ट द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस एंड हियर इज द सॉल्यूशन, प्लीज सी इट। देखिए बेटा, इधर लिखा है काउंटेबल नाउंस और इधर लिखा है अनकाउंटेबल नाउंस, ठीक है। तो देखिए, काउंटेबल नाउंस में आर्मी, टेम्पल, स्ट्रीट, फ्लॉक, बम्बू, बार, हर्ड, डायमंड, कैंप, किड, जूरी, पेपर, कर्टेन, ये सब काउंटेबल नाउंस हैं, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउंस में मनी, वेट, फ्लोर, ऑयल, पॉल्यूशन, हंगर, इंफॉर्मेशन, सिल्वर, ब्रेवरी, फ्रीडम, पुडिंग, विजडम, गिल्ट, आयरन, वर्क, ब्यूटी, ट्रेवल, रबर, ये सब जो है अनकाउंटेबल नाउंस हैं, ठीक है। इन्हें आप लिख लीजिएगा। और अब चलते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2 पे। एक चीज़ देखिए, इसमें मैं भूल गया लिखना बेटा। देखिए, ये जो ताजमहल वाली बात है ना, मैंने आप लोगों से कहा था, तो ताजमहल को जो है हम अनकाउंटेबल नाउंस में रखेंगे, ठीक है। किसी शहर का नाम है तो उसे भी हम अनकाउंटेबल नाउंस में रखेंगे, ठीक है। तो इसमें था, छूट गया है कोई, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट को हम अनकाउंटेबल में रखेंगे, ठीक है। और कोई एक था ताजमहल, ताजमहल को, रेड फोर्ट को इस वाले कॉलम में अनकाउंटेबल में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में सिंगल हैं, इन्हें गिना नहीं जाना, ये अनकाउंटेबल में रहेंगे। चलिए हम एक्सरसाइज नंबर 2 चलते हैं बेटा। लिखा है रीड द सेंटेंसेस गिवेन बिलो केयरफुली, रीड द सेंटेंसेस गिवेन बिलो केयरफुली, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड नाउंस यूज्ड एंड से वेदर इट इज ए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, फॉलो द एग्जाम्पल। डोंट वॉश फूड, तो बेटा इसमें फूड क्या है, फूड जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, आपका एग्जाम्पल दिया है। तो इसी तरीके से आपको जो है हर एक में काउंटेबल या अनकाउंटेबल को सिलेक्ट करना है। चलिए हम देखते हैं, हमने एक्सरसाइज को जो है इसमें भर दिया है, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। पीपल हु ईट टू मच डाई अर्ली, तो पीपल जो है आपका काउंटेबल है। अ गुड पीस ऑफ एडवाइस केम फ्रॉम हिम, एडवाइस जो है अनकाउंटेबल रहेगी। द ऑडियंस Enjoyed watching the play. Audience countable रहेगा बेटा। The team played well in the match. Team जो है countable रहेगा, ठीक है। Fifth वाले में चलिए। A wise enemy is better than a foolish friend. तो friend जो है आपका countable रहेगा, ठीक ना। जो अंडरलाइन है उन्हीं को हमें लेना है, जैसे जैसे फ्रेंड था तो काउंटेबल है। नेक्स्ट, आई विल बी विजिटिंग मनाली ड्यूरिंग समर वेकेशन, तो मनाली जो है शहर का नाम है ना, इसे हम अनकाउंटेबल में लेंगे। जैसे अभी हमने आपसे कहा था ना, ताजमहल को, रेड फोर्ट को अनकाउंटेबल में लेंगे, उसी तरह से मनाली, मनाली इज़ द नेम ऑफ ए सिटी, सो इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। चले चलते हैं नेक्स्ट। टू मच शुगर इज बैड फॉर योर हेल्थ, शुगर जो है अनकाउंटेबल है। हॉकी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, तो हॉकी जो है काउंटेबल है बेटा। दे हैड टू क्लाइम द स्टीप माउंटेन, माउंटेन आपका काउंटेबल है। ही वॉस्टेड ए लॉट ऑफ पेपर,
वाइल टाइम टू स्केच द सीनरी, पेपर आपका काउंटेबल है, ठीक है। तो इन्हें आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। और देखिए नीचे दिया बेटा सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, काउंटेबल नाउन कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम सिंगुलर नंबर टू ए प्लूरल, मोर देन वन नंबर एंड वाइस वर्सा, चेयर का चेयर्स, कंट्री का कंट्रीज, बॉक्स का बॉक्सेस, काउ का काउस, आदमी का आदमीज। अब ये क्या नियम है, जैसे आदमी वाई को हटाना है तो आई एस लगाना है इसमें, देखिए वाई हटा आई एस लगा, कंट्री में वाई हटा आई एस लग गया, और इसमें जो है सिर्फ एस जोड़ा गया है, बॉक्स में ई एस जोड़ा गया है, काउ में एस जोड़ा गया है। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड फ्रॉम ए सिंगुलर नंबर टू ए प्लूरल, हाँ कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे हैं जिनको जो है सिंगुलर से प्लूरल में नहीं बदला जा सकता है, सच एज इंडिया, इंडियाज नहीं लिखेंगे हम क्योंकि इंडिया इज द सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक ना। मिल्क, एंगर, सन, हैप्पीनेस, ये सब ऐसे जो है अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिन्हें की जो है हम प्लूरल में नहीं बदल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इन्हें इस वाले को जो हमने आपसे कहा था इसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।